हेलो एवरीवन, एवरेज के क्वेश्चन कर लेते हैं। आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिक रहेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 और लड़कों का औसत भार 65 हो तो लड़कों तथा लड़कियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, टोटल है 60 स्टूडेंट्स, उसमें लड़कियों का औसत दिया हुआ है, गर्ल्स का 50 और बॉयज़ का दिया हुआ है 65 और टोटल दिया हुआ है 60 छात्रों का 55। तो यहाँ पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 2:1 का रेशियो। अब अलग अलग नंबर्स निकालने हैं, लड़कियों का पहले निकाल लेते हैं, गर्ल्स का 2 अपॉन में टोटल 3 इंटू टोटल 60, तो लड़कियां हो गई 40। अब बॉयज़ कितने हो गए, 1 अपॉन में 3 इंटू 60, तो बॉयज़ हो गए 20। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष और महिलाओं की 38 वर्ष है तो अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। लास्ट क्वेश्चन जैसे है, टोटल 80 है, मेल कितने हैं 54 और फीमेल दी हुई है 38 और उनका टोटल एवरेज दिया हुआ है 50। माइनस कर लेंगे, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 4, 6:1 हो गया। अब अलग अलग मेल फीमेल निकालना है, मेल कितने हो गए 3, टोटल 4 इंटू 80 तो ये आ जाएगा 60, फीमेल हो गए 1 अपॉन में 4 इंटू 80 हो जाएगा 20। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। 12 संख्याओं का औसत 20 यानी 12 × 20, ये हो गया योग 240। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तो 5 × 18, 18 पंचे कितना होता है 90। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22, 6 × 22 आपका आ गया 132। छठी संख्या ज्ञात करनी है तो इस 240 में से इनका टोटल आप माइनस करेंगे, कितना होता है 240 माइनस ये 2 हो गया, ये 222 आएगा, तो आएगा आंसर आपका 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 है, 20 × 15, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18, 12 × 18 216 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, 7 × 11 77। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, 300 में से इन दोनों का टोटल माइनस करेंगे, कितना आता है 216 और 77, 293 माइनस कर देंगे, 7 आएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 50 संख्याओं का औसत 45 है, 50 × 45 2250 आएगा। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50, 20 × 50 = 1000 हो रहा है और अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 1302 आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, 1000 + 1302 20वीं संख्या याद करनी है, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, ये नंबर बड़ा है, बड़े से छोटा माइनस करना है, तो 52 जो है आपका आंसर होगा। इजी था ये। 4 संख्याओं का औसत 9 है, यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल किया जाए नया औसत कितना होगा, तो
योग पहले लिख लेते हैं, 9 × 4 चार संख्या, एक और संख्या 14 को भी शामिल कर लिया जाता है, तो प्लस इसमें से 14 ऐड कर देंगे, 6 × 4 = 10 होता है, ये 50 होता है। अब नया औसत कितना है, नया औसत कैसे निकालेंगे, 50 प्लस पहले की चार संख्या और एक और ऐड हुई 4 + 1 यानी कि 5, तो ये 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 20 × 3 लोग हैं यानी कि 360। बी और सी की औसत आयु 25 है, बी प्लस सी कितना होगा, 25 × 2 दो लोग हैं। ए की आयु निकालनी है, तो ए की आयु क्या होगी, ये 60 में से 50 माइनस कर देंगे, तो ए जो हो जाएगा हमारा 10 वर्ष का हो जाएगा, यही आपका आंसर है। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, ये बेसिक लेवल था, नेक्स्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगी। आप लोग कहते हो कि क्वेश्चंस बहुत ईजी रहते हैं, तो जो फर्स्ट लेक्चर है वो थोड़ा सा मैं बेसिक रखती हूँ, और जो अब जो वीडियोज़ आएंगे औसत के सारे एडवांस लेवल के होंगे। थैंक यू गाइज़।